ढेंकानाल रे मातिछंती कोळा पथर लुटेरा ग्यांग नवीन सरकार रे केवल राति रे हेउतिला चोरी हेले मोहन सरकार रे दिन दीपहर रे लूट करुछंती मूल्यवान कोळा पथर स्थानीय नेतांक सह भीतिरी बुझामणा होइतिबा चर्चा नीरव द्रष्टा साजिछि जिल्ला प्रशासन नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनाल रे रुजु हेला मामला कार्यानुष्ठान दाबी कले पूर्वतन विधायक नवीन नंद ढेंकानाल जिला निहल प्रसाद रे थिबा निश्चिंता पहाड़ रे चालीछि बेधड़क कला पथर लूट निश्चिंता पहाड़ जंगल जमी किसम रे आसुथिबारु एठारे आदो खनन हेबा कथा नुह हेले सबु नियम कानून को फू करी दिन दीपहर रे शह शह ट्रक प्रोक्लिन मेसीन और विस्फोरक व्यवहार करी पहाड़ को लूट करुछंती लुटेरा एसबु दिन दीपहर रे चलिथिबा बेले जिला प्रशासन रो जंगल विभाग राजस्व विभाग और खणि विभाग संपूर्ण नीरव द्रष्टा साजिछंती खणि विभाग कहुची आम पाखरे तदारक पाई स्टाफ नाहंती राजस्व विभाग कहुची एहा आमर काम नुह सेपटे जंगल विभाग सबु जाणी निदा विष्णु पलटिछि कुआ जाउछि पूर्वरु राज्य रे नवीन सरकार थिबा समय रे राति समय रे लुची छपी माफिया माने एठारु पत्थर चोरी करुथिले हेले राज्य रे सरकार बदली मोहन सरकार आसीबा परे एबे दिन दीपर रे खुल्लम खुला ई लूट चलिछि आउ केते परिमाण रा मूल्यवान कला पत्थर लूट होईछि तार ज्वलंत प्रमाण हेउछि एई मैप एथिरु स्पष्ट जणा पडुछि जेउठि दिने बड़ बड़ पहाड़ छिड़ा होइतिला से स्थान एबे विराट पोखरी रे परिणत हेलाणी कुआ जाउछि ढेंकानाल रो सीमावर्ती अंचल धर्मशाला रु पहाड़ चोरी को सेठाकार नुआ विधायकक उद्यम रे बंद करा जाइतिबारु एबे समस्त चोरा व्यापारी नजर ढेंकानाल उपरे तेबे अभिजोग अनुसार राज्य रे सरकार बदलिबा परे गंदिया अंचल रो किछि सरकारी दल रो नेतांकु हात बारिसी करी विगत दुई मास हेला एठारे बेधड़क कला पथर लूट चलिछि अन्यपटे बेआईन पथर खनन को नहीं एक परिवेश संगठन तरफ गत मास 18 तारीख रे जातीय ग्रीन ट्रिब्युनाल रे एक मामला दाखल करा जाइछि एथिरे ढेंकानाल जिलापाल वन अधिकारी राज्य परिवेश विभाग और खणि विभाग को पक्षभुक्त करा जाइछि अन्यपटे घटना संबंध रे ढेंकानाल रा पूर्वतन विधायक तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता नवीन नंद गतकाली एक्स जोगे जिला प्रशासन और राज्य सरकार को सूचना दे तुरंत ही बेआईन कार्य को बंद करने अनुरोध करिछंती तबे मोहन सरकार आसु आसु ढेंकानाल रे आरंभ होइतिबा ई कला पथर लूट को सरकार बंद करिबारे सफल हेउछंती ना नाही ताहा देखिबा को बाकी रहिला ब्युरो रिपोर्ट सत्यपाठ न्यूज़।